आज हम देखेंगे अंगूर से किशमिश बनाने की रेसिपी। अगर आपको लगता है कि किशमिश बनाना कठिन है, तो आपको आज मैं अंगूर से बाजार जैसे किशमिश कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। हम 3 बड़े बोल पानी लेंगे। पानी को थोड़ा सा बॉईल करना है। जैसे ही उसमें उबाल आने लग जाते हैं, फिर इसमें हम डालेंगे 2 बोल अंगूर। आपको जितनी मात्रा में बनाना है उतने अंगूर आप डाल सकते हो। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही ये अंगूर पक जाएंगे, ये इस पानी के लेवल पर आ जाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अंगूर पक चुके हैं। अब 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये अंगूर भी ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बताया है, आपको इनके स्किन पर क्रैक्स नज़र आएंगे। इसी समय हमें गैस को ऑफ करना है। फिर इसका जो पानी है उसे हम स्ट्रेन करेंगे और इन अंगूर को ठंडा होने देंगे। फिर एक प्लेट पर हमें टिश्यू पेपर या फिर आपके पास कोई कॉटन क्लॉथ हो तो उसे हम प्लेट पर रखेंगे और उसके ऊपर ये अंगूर रखेंगे। इससे क्या होगा कि सारा मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इसे हम धूप में 1 दिन के लिए रखेंगे। अभी ये समर सीज़न है तो फिर ये 1 दिन में बन जाएगा। अगर आप विंटर में बनाते हो तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन भी लग जाए। अब 1 दिन बाद आप देख सकते हो कि ये अच्छे से ड्राई हो चुका है और काफ़ी आसानी से हम घर पर किशमिश बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।